आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर निफ्टी एकदम फ्लैट इस समय अब आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 947 के रिकॉर्ड तोड़ हाईज बनाए हमने और वहां से करीब 125 अंक अब हम इस समय गवाते हैं। ठीक है, वीकेंड से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, अच्छा हफ्ता रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए किसी के भी जहन में, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हेल्दी भी होती है मेरे लिए आज से। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा सल्क कर रहा है, मदद जो हो रही थी निफ्टी की वो कुछ सिलेक्टिव आईटी पॉकेट से हो रही थी, एचडीएफसी ट्विंस थे, ये सब मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा मिड कैप 1% का दबाव है और मार्केट ब्रेथ डिक्लाइंस के फेवर में चली गई है। 1:3:1:2 का रेशियो, यानी कि हर एक बढ़ने वाले पे दो शेयर दबाव में, दो तिहाई बाजार लाल निशान में आ गया है। तो थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तरों से, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, कितनी हेल्दी है प्रॉफिट टेकिंग, क्या कोई चिंता वाली बात, एक्सपर्ट्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस बाजार को पहले ही समझ लेते हैं। भसीन सर स्क्रीन पर नजर आएंगे। भसीन सर गुड आफ्टरनून, घबराने का नहीं ना? नहीं सर, इतनी बड़ी रैली के बाद दो दिन की प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, वो भी आजकल तो इंट्राडे ही आती है, सो आई थिंक देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, यू शुड बी लुकिंग टू बिल्ड स्टॉक्स। और हर चीज बढ़ेगी नहीं, आपको कहा था मेटल्स पे कॉशियस रहिए, थोड़ा आईटी में प्रॉफिट बुकिंग है, ऑल द गुड न्यूज इज देयर। तो आशीष जी पोर्टफोलियो चर्न करिए, बने रहिए, कुछ बाय कीजिए कुछ सेल कीजिए, मार्केट हैज फुली प्राइस्ड एवरीथिंग नाउ, यू कैनॉट हैव एवरी डे सच न्यू माइलस्टोन। 8,000 और 18,000 विल बी डिफिकल्ट टू कॉन्कर अबव दिस, देन देयर विल बी फ्रॉथ ऑन द मार्केट। तो आईटी मेटल्स इनमें दबाव आएगा, तो फिर बाकी कौन सी पॉकेट जिसके थ्रू सिलेक्टिवली अभी भी चेज करना है इसराइली को? सर ऑटोज कॉन्ट्रेरियन बनिए, ऑटोज और बैंक्स में, मिड कैप बैंक्स विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स, ऑटो बैंक्स एंड इवन फार्मा नाउ आफ्टर द करेक्शन आर गिविंग यू गुड मार्क्स। और आज मैंने दो नहीं तीन पिक आपके लिए रखे हैं, वो एकदम दिग्गज स्टॉक्स हैं जो यहाँ से वैल्यू बनाकर देंगे, इवन इफ द इंडेक्स इज हिटिंग 60,000 दे विल आउट परफॉर्म। आप कहें तो मैं शुरू करूं? सर कहने की जरूरत ही नहीं, हम तो इंतजार करते हैं सर। तो पहला भाई है अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड इज द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर ऑन द सीवी साइड, और आप देख रहे हो कि डिस्पाइट द चिप मार्केट दे आर सेइंग दैट प्राइसेस देयर प्राइसेस ऑफ ट्रैक्टर पीवीज हैव गॉन अप। तो आई थिंक अशोक लीलैंड इज अ नो ब्रेनर, 25.5-25.26 में लीवी है, 26.5-26, 23.5-24 का स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडर हो, 33 का पहला टारगेट, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन वैसे अशोक लीलैंड 150 रुपये जाएगा। दूसरा भाई है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक के निम और एसेट क्वालिटी बेस्ट आएगी इस क्वार्टर में, और जो अटकली लगी हुई थी वो सेकंड वेव की प्रोविजनिंग और राइट बैक होगी, 80.5 में लीजिए, 80-80.5 में, 78.25 का स्टॉप लॉस, 88 का टारगेट। और तीसरा मुझे इस भाव पे बहुत पसंद है औरोबिंदो फार्मा, उनका जो न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इट इज सीन अ वेरी गुड ट्रैक्शन, और मुझे लगता है उनके जो नंबर आएंगे इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द फार्मा इंडस्ट्री। 716-18 में लीजिए, 4 का स्टॉप लॉस, 745 का टारगेट। तीन तीन बेहतरीन पिक्स आपके लिए जिसके थ्रू